उत्तर प्रदेश का भदोही जिला गंगा के मैदानी इलाकों में से एक है। गंगा, वरुण और मोरवा यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। भदोही जिला उत्तर में जौनपुर जिले से घिरा हुआ है, पूर्व में वाराणसी है, दक्षिण में मिर्ज़ापुर और पश्चिम में इलाहाबाद यानी प्रयागराज है। इससे आप भदोही का एक भौगोलिक महत्व समझ सकते हैं। भदोही को कालीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कालीन भैया वाले कालीन नहीं, बिछाने वाले कालीन, क्योंकि दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा हाथ से कालीन बुनने के उद्योग केंद्र भदोही में ही हैं। जितनी रोचक भदोही की ये बातें हैं, उतनी ही दिलचस्प है यहाँ की विधानसभा सीट की बात भी। सबसे रोचक बात तो ये है कि भदोही के साथ एक गुडलक जुड़ता जा रहा है कि यहाँ से जिस पार्टी का कैंडिडेट जीतता है, उसी पार्टी की राज्य में भी सरकार बनती है। 2017 में यहाँ से बीजेपी के रविंद्रनाथ त्रिपाठी जीते थे, लेकिन मुकाबला काफी नेक टू नेक टाइप का था। रविंद्र त्रिपाठी ने सपा के जाहिद बेग को करीब 1105 वोट के बेहद नजदीकी अंतर से हराया था। बीजेपी का कैंडिडेट भदोही से जीता और राज्य में भी 2017 में बीजेपी की ही सरकार बनी। 2012 का रिजल्ट 2017 के बिल्कुल उलट था। उस चुनाव में सपा के जाहिद बेग ने रविंद्र त्रिपाठी को करीब 14,000 वोट से हराया था, लेकिन तब रविंद्र त्रिपाठी बीजेपी नहीं बल्कि बीएसपी में थे। बीजेपी उस चुनाव में नंबर 3 पर रही थी। संयोग देखिए कि 2012 में भी सपा का कैंडिडेट भदोही से जीता और राज्य में भी सरकार सपा की ही बनी थी। इससे पहले 2007 के विधानसभा चुनाव में भदोही से बीएसपी की अर्चना सरोज जीती थी और राज्य में सरकार भी बीएसपी की ही बनी थी, मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। 2002 के चुनाव में यहां से सपा के दीनानाथ भास्कर जीते थे। उस वक्त तो राज्य में सपा की सरकार नहीं बनी, लेकिन बाद में एक साल बाद सपा की ही सत्ता में वापसी हुई। यानी पिछले तमाम चुनाव में भदोही में जिस पार्टी का कैंडिडेट जीता, उसी पार्टी की सूबे में सरकार बनी। इस बार यानी 2022 में भदोही से बीजेपी के रविंद्र त्रिपाठी एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने एक बार फिर हैं जाहिद बेग। यानी लगातार तीसरी बार इन दोनों दिग्गज नेताओं के बीच कांटे की टक्कर तय है। भदोही विधानसभा सीट पर करीब 4,14,000 मतदाता हैं। यहाँ ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित मतदाताओं की संख्या करीब करीब बराबर है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ लगभग 80,000 ब्राह्मण, 65,000 मुस्लिम, 25,000 राजपूत, 35,000 वैश्य, 40,000 यादव, 25,000 मौर्य और 60,000 दलित वोटर हैं। अन्य 85,000 वोटर्स में विश्वकर्मा, पटेल, बिंद, कुम्हार आदि अन्य पिछड़ी जातियों के वोटर शामिल हैं। भदोही सीट पर क्या होगा और क्या इसका गुड लक कि यहाँ से जो कैंडिडेट जीतता है, उसी पार्टी के राज्य में सरकार बनती है, ये गुड लक बरकरार रहेगा या इस बार टूटेगा, ये पता चलेगा 10 मार्च को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।